ढाबा स्टाइल पनीर की करी बनाने के लिए मैंने लिए पनीर के क्यूब्स। इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक। अच्छे से मैरिनेट करूंगी और आधे घंटे के लिए साइड में रख दूंगी। तब तक चलिए ग्रेवी बना लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने लिया एक पैन, इसमें डालूंगी बटर और इसे 2 मिनट के लिए मेल्ट होने दूंगी। फिर डालूंगी इसमें क्यूमिन सीड्स, थोड़ा इलायची, थोड़ा तेजपत्ता, थोड़े से लौंग, दालचीनी के टुकड़े और स्टार एनाइस, और इन्हें अच्छे से कुक कर लूंगी लो फ्लेम में। अब डालूंगी ऑनियन चॉप्ड और इसे कुक करूंगी जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। एक बार ब्राउन हो जाए डालूंगी मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटो चॉप्ड और इसे कुक करूंगी लो फ्लेम में अगेन ताकि ये जले ना। डालें इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और मिक्स करें। अब हम डालेंगे इसमें दही और लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि दही फट ना जाए। जब तक हमारा ग्रेवी पक रहा है तब तक एक पैन में मैं बटर डालूंगी और हमारा मैरिनेटेड किया हुआ जो पनीर था ना उसे अच्छे से कुक कर लूंगी दोनों साइड्स, और हमारे कुक किए हुए पनीर को ग्रेवी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी और 10 मिनट तक पका लूंगी। डालूंगी इसमें कसूरी मेथी और गार्निश करूंगी कोरिएंडर लीव्स के साथ और सर्व करूंगी।